ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने विधानसभा के मानसून सत्र के स्थगित किए जाने का मुद्दा उठाया। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई। साथ ही कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने ग्वालियर चंबल में आई बाढ़ से 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की भी बात कही है। अपनी बात कह सके कमलनाथ जी, हमारे 2018 घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे और कानून भी हमने विधानसभा में पारित कर दिया। कानून पारित करने के बाद जब हमारी सरकार चली गई तो उसमें हम लोगों को जो क्रियान्वयन होना था आदेश जारी कर दिए थे, जगह जो आरक्षण के तहत बन रही थी 27% निकालना था लेकिन नहीं कर पाए। अब शिवराज सिंह जी कहते हैं कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की नीयत साफ नहीं थी। अगर